हमारे अलमीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो कोविड वार्ड अभी और एक एक्सटेंशन किया जा रहा है, उसमें हमारे लोकल रिलीजियस लीडर तनवीर हाशमी पीरा साहब और सब हमीद मुशरीफ और हरती सब ये लोग मिलके जो यहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं वो बहुत बहुत शुक्रगुजार चीज़ है। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेके पूरे आराम हो के यहाँ से जाए, ऐसे उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार अच्छी तरह से ये तरक्की हो जाए ये वार्ड का, और जो पेशेंट यहाँ आता है हर पेशेंट आराम हो के वापस जाए करके मैं दुआ करता हूँ। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, हम अलमीन मेडिकल कॉलेज के बेहद ममनून मशकूर हैं कि आपने कोविड 19 के हवाले से, कोरोना वायरस से लड़ने के हवाले से या कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज़ों की तीमादारी, उनके इलाज के हवाले से एक 40 बेड का वार्ड तैयार किया है, बल्कि ये 50 बेड का है। हम उनके बेहद ममनून मशकूर हैं। बिलखसूस अलमीन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, रहमान खान साहब और मोहम्मद अली खान साहब, इनके हम शुक्रगुज़ार हैं। बीएस पाटिल साहब भी हमारे साथ हैं और सलीम धुनसी साहब भी हैं, हम इनके भी और अलमीन मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर्स यहाँ इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। इस कार्य खैर के लिए, इस अजीम काम के लिए इकबाल दफेदार आगे आए और उनके तआवुन से, उनकी मदद से ये काम आगे बढ़ाए। हमारे साथ अलहाज हमीद मुशरीफ साहब हैं, डॉक्टर महलदार साहब हैं और इसके अलावा शकील सुतार हैं, रज़ाक वारती हैं, सांगलीकर इंजीनियर साहब हैं, ये पूरी टीम, कादरी वकील वगैरह सब हजरात सब मिल करके दिन रात कोशिश करके ये अलमीन मेडिकल कॉलेज में कोविड 19 यूनिट 2 ये शुरू किया जा रहा है। मुनासिब दाम में, बहुत ही कम खर्च में ये कोरोना वायरस के मुतासिर मरीज़ों का इलाज होगा। यहाँ जितनी सहूलियात फराम की जा सकती हैं वो सहूलियात फराम की जा रही है। हम डॉक्टर्स की पूरी टीम का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे जो आगे आ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लिए हैं और उनकी अपनी खिदमात जारी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं फिर एक मरतबा अलमीन मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस काम को इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और ये भी हम बता दें आपको कि कोरोना वायरस से चूँकि इस वक्त पूरी इंसानियत परेशान है, इंसानियत की खिदमत के जज्बे से अलमीन मेडिकल कॉलेज में भी ये जो कोशिश हो रही है ये इंसानियत की खिदमत के जज्बे से है। यहाँ आने वाला मरीज़ देखा जाएगा, ख्वाह वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत की जाएगी। अलमीन मेडिकल कॉलेज आगे रहेगा इंशाल्लाह ताला, हम सब मिलकर के इस काम में साथ देंगे, हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला कोरोना वायरस से पूरे आलम इंसानियत को निजात अता फरमाए और अलमीन मेडिकल कॉलेज में जो खिदमात हो रही हैं उन्हें कबूल फरमाए। और इकबाल दफेदार हैं और उनके साथ पूरी टीम है, अल्लाह तबारक व ताला इन सब को जजाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
आज हमारे अलमिन के पूरे डायरेक्टर पूरे डॉक्टर कोविड 9 को आज 50 बेड करे थे, 40 बेड चालू हो रहे हैं। हमारे इकबाल दफेदार साहब पूरा है बेड का पाइपलाइन का और सब उन्होंने खर्चा उठाए। अब सबसे पहला हमें डॉक्टरों का शुक्रिया था, हमारे पूरे डॉक्टर हिंदू हो मुसलमान हो सब भी अलमिन के वास्ते काम करते कर रहे हैं। और ये यहाँ हर एक पेशेंट हिंदू हो मुसलमान हो सब भी आओ, सब भी अपना कम खर्च में इलाज करा ले को आराम हो को दवा खाने को दुआ। और डॉक्टरों को और हमारे डायरेक्टर रहमान खान साहब होंगे सबको उनको दुआ करो। और ये दवा खाने का बेड हर एक जगह कम है, दूसरे जगह बहुत पैसे ले रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, हर एक को तकलीफ है, पूरे देश को तकलीफ है। ये करुणा जान दे कर को सब भी दुआ करो। हमारे शकील साहब खाना दे रहे हैं, कितने पेशेंट होंगे उन्होंने खाना दे रहे हैं। हर एक ले अपने अपने तरफ से क्या हुआ तो भी हर एक पेशेंट को भी हेल्प करो। ये हमारे डॉक्टरों को पहला फर्स्ट हमारे बीजापुर के डॉक्टरों को अलमीन के पूरे डॉक्टरों के वास्ते दुआ करो। उन्हों अपे आ को पूरा क्या होता है हमें देखते कर को उसका व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्हों बोलने में हमारे इकबाल हमारे तनवीर पीरान साहेब एक मीटिंग कर को पूरे डॉक्टरों बुला को आरती साहब हमें शकील सुतार इकबाल दफेदार सब भी मिला को कादरी वकील ये सब भी मिला कर रहे हैं। ये इसके वास्ते सब भी डॉक्टरों को पहला दुआ करो। उन्हों हूँ करने में चाहे सब काम आगे चले। हमारे मालदार साहब की और सांगलीकर साहब की बहुत कोशिश है, उन्हों हार नहीं आना भी, फिर भी हमारे वास्ते आ को हमारे सबके वास्ते काम करा रहे हैं, उनके वास्ते दुआ।